Dear students, I hope you will be fine and in high spirit. Your study will be going on well with your sincerity and hard work with the help of online videos. In the previous video, I taught you the kinds of adjective in English language. Today I am going to teach you a very important topic belonging to adjective, comparison of adjective. Comparison of adjectives are also known as degree of comparison. तो degree माने अवस्थाएं जिसे कहते हैं, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं. There are three kinds of degrees of adjective. There are three degrees of adjectives. एडजेक्टिव की तीन विशेषताएं, तीन अवस्थाएं होती हैं. नंबर वन पॉजिटिव डिग्री, नंबर टू कंपैरेटिव डिग्री एंड नंबर थ्री सुपरलेटिव डिग्री. तीन डिग्रीज होती हैं. अब इनकी डेफिनेशन देखिए. पॉजिटिव डिग्री इसको की प्रथम अवस्था या मूल अवस्था कहते हैं. ए पॉजिटिव डिग्री शोज द ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ पर्सन और थिंग. ये जो मूल अवस्था है विशेषण की, यह किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो है सामान्य स्थिति का बोध कराती है. अपने यह मूल रूप में मूल भाव में होती है. एग्जाम्पल देखिए, अंडरलाइन वर्ड्स किए गए हैं वह एडजेक्टिव है. राम स्टार का राम लंबा है, सीता एक ब्यूटीफुल सीता सुंदर है, और नोबडी लाइक्स अ लेजी बॉय, कोई भी आलसी लड़के को पसंद नहीं करता. तो इसमें अंडरलाइन था राम की विशेषता, ब्यूटीफुल सीता की विशेषता और लेजी बॉय की विशेषता. ये आपके पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स हैं. अब सेकंड नंबर आता है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री माने होता है तुलनात्मक अवस्था. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कंपैरेटिव डिग्री शोज द कंपैरिजन बिटवीन टू पर्संस और थिंग्स. एक तुलनात्मक अवस्था जो है वह दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के बीच की तुलना को बोध करती है, ज्ञान कराती है. राम इज टॉलर देन सीता या राम इज टॉलर देन श्याम. राम श्याम से अधिक लंबा है, राम सीता से अधिक लंबे हैं. तो यहाँ पर सीता और राम की लंबाई में तुलना की गई है. तो अधिक टाल माने होता लंबा और टालर माने अधिक लंबा, अधिक शब्द लग जाता है. कंपैरेटिव डिग्री रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर. रानी अपनी बहन से ज़्यादा या अधिक सुंदर है, ज़्यादा या अधिक लगा देते हैं कंपैरेटिव डिग्री. इसमें नोट एक लिखा गया है कि कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात आप देख रहे हैं टालर के पश्चात और मोर ब्यूटीफुल के पश्चात क्या आता है? देन आता है. लेकिन अगर आई ओआर वाले कंपैरेटिव डिग्री सीनियर जूनियर सुपीरियर आते हैं तो इनके बाद में क्यों आता है देन नहीं आता है? जैसे मान लीजिए सीनियर टू बी वन मुझसे श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर टू लगा है ओ आर लगने से. जूनियर ने भी ये टू लगा हुआ. अब थर्ड नंबर है सुपरलेटिव डिग्री, जिसको कि उत्तम अवस्था कहते हैं. ये तुलनात्मक अवस्था थी, मूल अवस्था थी, ये उत्तम अवस्था है. सुपरलेटिव डिग्री यूज एक उत्तम अवस्था उस समय प्रयोग की जाती है वेन ए पर्सन, जब किसी व्यक्ति को आर्थिक अथवा वस्तु को इस कंपेयर टू होल ग्रुप और कास्ट पूरी जात या वर्ग के साथ में उसकी तुलना करा दी जाती है. एंड इस रिगार्डेड द बेस्ट ऑफ ऑल और उसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि माना जाता है. ये स्टूडेंट्स इसमें भी एक नोट लिखा हुआ है. सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होता है. अब देखिए सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर द लगा हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल के.
पहले तो यह सुपर लेटिव डिग्री हुई। आफ्टर क्लास सीता अपनी कक्षा की सबसे सुंदर लड़की है तो सबसे सदा था, इसमें अधिक या ज़्यादा आता अधिक श्रेष्ठ या अधिक लंबा या ज़्यादा सुंदर, इसमें क्या आता सबसे सुंदर सबसे या सब में आता। अब यहाँ पर कुछ मिसलेनियस आपको डिग्री का फार्मेशन बताया जा रहा है, कैसे डिग्री बनती है फार्मेसी आप कंप्लीटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए डीएल डीएल में ईआर जोड़ दिया गया, ईएसटी जोड़ दिया गया, तो ये मूल अवस्था में थी उसमें ईआर और ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव और कंप्लीटिव बनाया। डीएल डीएल डीएस ब्रेक स्कूल में कोई ई नहीं था इसलिए ई आर और ई एस टी लगाया गया, इसमें ब्रेक में ई किया गया तो केवल आर जोड़ा गया, ब्रेक रहेगा ब्रेक अल्लाह लगभग इजी किया गया है। ये एस वाई बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इस तरीके से होने पर क्या होता है बाई को हटा देते हैं आई ई आर कर देते हैं इजियर इजियस्ट। और अगला देखिए अगर किसी भी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो उससे पहले एक वॉल्यूम हो तो कॉन्सोनेंट डबल होकर के ई आर ई एस टी लगा दिया गया बिग बिगर बिगेस्ट। फिर ब्यूटीफुल जिसमें दो सिलेबल या दो से अधिक सिलेबल होते हैं ब्यूटीफुल, इस तरीके से दो तीन सिलेबल वाले शब्दों में क्या करते हैं उनके पहले मोर और मोस्ट लगा करके सुपर कॉम्पिटेटिव और सुपर लेटिव डिग्री बनाया जाता है ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए मैनी और लंच दोनों का ही मोर मोस्ट होता है अलग एडिटर कोई सफिक्स प्रिफिक्स नहीं जोड़ेगी सीधा मोर मोस्ट लगा दिया। ओल्ड के दो तरीके से होते हैं कॉम्पिटेटिव ओल्डर और इंटर होता है, इंटर सगे संबंधियों के लिए आता ओल्डर वैसे वस्तुओं के लिए आता और ओल्डेस्ट एल्डेस्ट ओल्डेस्ट जो है वस्तुओं के लिए आता है एल्डेस्ट जो है ये आपका सगे संबंधियों के लिए आता है। और लिटिल लेस लीस्ट लिटिल माने थोड़ा लेस माने का और कम और लीस्ट का सबसे कम अधिकतम सबसे। डियर स्टूडेंट्स आई होप यू विल लर्न इनफ विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड ऑल्सो कंप्लीट दिस वर्क इन योर नोटबुक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।